जो तूफान आ रहा है, इसके लिए जिला प्रशासन ने किस तरह की तैयारी करके रखी है सर? माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के और बाकी सीनियर्स सबने क्लियर एकदम हमें इंस्ट्रक्शंस इशू किया है सारे ज़िलों में। जितने भी लोगों को इवैक्यूएशन करा सकते हैं जो कच्चे बाड़ी में हैं उनका इवैक्यूएशन का काम चल रहा है, परसों से चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर मैं आपको रात तक बता पाऊंगा, और 20,000 से ज़्यादा लोगों का इवैक्यूएशन पश्चिम बर्धमान में हो चुका है। 400 से ज़्यादा शेल्टर्स पक्के जो हमारे पास में हाई स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, फ्लड रिलीफ शेल्टर्स हैं, उन सबको ओपन करके उसमें खाना पानी मास्क और सैनिटाइज करा के लोगों का प्रबंध रहने का कराया जा चुका है। इसके अलावा ये नंबर लगातार इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे लोग और आएंगे हमारे पास में हम इसमें और ज़्यादा इंक्रीज कर पाएंगे आज शाम तक। उसके बाद में बंद हो जाएगा क्योंकि कल से हमें उम्मीद है कि बारिशें ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो जाएंगी। हर जगह जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो इरिगेशन एंड वाटरवेज है, PWD है, NDRF की टीम्स हैं, SDRF की टीम्स हैं, हमारे सिविक डिफेंस वॉलंटियर्स हैं 300 से ज़्यादा, फॉरेस्ट कटिंग टीम्स हैं, सॉ चेन्स हैं, JCBs, हाइड्रा, सब जगह स्ट्रेटेजिकली दुर्गापुर और आसनसोल सब डिविजन में अलग अलग जगह पर स्टेशन कर दी गई हैं। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज में कोई भी अगर पेड़ गिरता है या कहीं भी अगर कुछ भी बारिश की वजह से दिक्कत आती है तो वहाँ पर इमिजिएटली हमारी क्विक रिस्पॉन्स टीम्स पहुँच के उस पेड़ को साफ करके या जो भी अगर कोई दुविधा हुई है उसको हटा के सारे व्हीकल्स को पास कराती रहेगी। अगले 3 दिनों के लिए हमने प्रबंध कर लिए हैं। जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर सफिशेंट जनरेटर सेट, उनका ईंधन और डॉक्टर्स और नर्सेस की व्यवस्था, साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और उसके अलावा एलिमोज वगैरह को स्टेशन कर दिया गया है, जिससे कि अगले 3 दिन और 3 रात तक किसी को भी बाहर से कुछ लेने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा सारे जगह कंट्रोल सेंटर्स चल रहे हैं, हमारे यहाँ पर एक 24/7 कंट्रोल सेंटर चल रहा है। सब डिविजन, ब्लॉक लेवल, सारी टीम्स एक साथ हर जगह ग्राउंड लेवल पे स्टेशन है, हर जगह ऑफिसर्स मूव कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सभी लोगों के कॉपरेशन से और सब लोग घर के अंदर रहें, और हमें लगता है कि 2 या 3 दिन में स्थिति एकदम नॉर्मल हो जाएगी। थैंक यू सर।